आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस को आशियाना स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने भव्य और अलग अंदाज में मनाया। इस मौके पे नन्हे मुन्ने बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने वीर शहीद देश के महापुरुषों का रूप धारण कर लिया और स्कूल के संस्थापक जगत नारायण पांडे द्वारा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में झंडारोहण करके देश भक्ति गीत और राष्ट्रगान को गाया गया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें काफी खूबसूरत लग रही क्योंकि ये तिरंगे की तस्वीर है और राजधानी लखनऊ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जश्ने आजादी यानी कि अमृत महोत्सव को अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमने स्कूल के संस्थापक जगत नारायण पांडे से भी बात की। उन्होंने बताया कि देश बलिदानों से आजाद हुआ है, देश में जरूरी है कि शिक्षा आगे बढ़े, बच्चे बढ़ चढ़ कर ऊंचाइयों को छुएं। आप देख पा रहे होंगे कि तिरंगा लेकर ये नन्हे मुन्ने बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौके पर हमने स्कूल प्रशासन के उन नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बातचीत की जो काफी खुश थे। तिरंगे की ये तस्वीर है जिसमें संस्थापक जगत नारायण पांडे, चेयरमैन नारायण पांडे, प्रधानाचार्य दिव्या पांडे की उपस्थिति में बच्चों ने मनोहर प्रस्तुतियां दी और देश के वीर शहीदों को याद और नमन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे द्वारा की गई ये खास रिपोर्ट, इस पर किस तरह से सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आजादी के जश्न को अलग अनोखे अंदाज में मनाया गया। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, एंड प्यारे बच्चों, हम सब अवगत हैं कि आज से 78 वर्ष पूर्व हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान अंग्रेजों की बेड़ियों से, गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। इस आजादी को ग्रहण करने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। करीब 54,000 लोग लापता हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, जिनका आज तक कोई खोज खबर नहीं है। हमारी सीक्रेट एजेंसी ने भी पता लगाने का प्रयास किया, मार दिए गए कुछ लोग। हमें यह आजादी प्राप्त हुई थी, तो जब यह आजादी का दिवस आता है, हम लोग आज स्वतंत्र हैं, तन से, मन से, मन से, संस्कृति से, धर्म से। इस देश की आजादी के लिए अपने आप को तथा विकसित होने के लिए, चाहे वो आर्थिक आबादी हो, धार्मिक आबादी हो, सांस्कृतिक आबादी हो, वैज्ञानिक साइंटिफिक आबादी हो, हमको हर क्षेत्र में पूर्ण होना है, आत्मनिर्भर होना है, अपने आप को सक्षम बनाना है। देश की सुरक्षा के लिए आज हमारा जो डिफेंस विभाग है, जो सुरक्षा विभाग है, उसमें हमारी एजेंसी बहुत तत्परता के साथ कार्य की सीमाओं की सुरक्षा करें। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज मैं फौजी बन के आई हूँ।
आजादी के इस 78वें वर्ष को पूरा देश अलग अंदाज में मना रहा है। इन सबको लेकर राजधानी लखनऊ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भी जश्न आजादी को और अमृत महोत्सव को अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है या इस विद्यालय के संस्थापक जैन पांडे साहब, जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज जिस तरह से आजादी का जश्न है, क्या कुछ मैसेज और संदेश देना चाहेंगे। आज डॉक्टर जैन पांडे चेयरमैन सेंट्रल पब्लिक स्कूल शारदा नगर से आपको अवगत कराना है कि आज हमारी आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसमें पूरे देश के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे देश के 140 करोड़ जनता, बच्चे, युवा, महिलाएं, वृद्ध सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और लोगों के हृदय में उल्लास है और देश के आगे बढ़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मनिर्भर होने के लिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो और देश की प्रॉपर्टी, देश की सीमाएं, इन सब की सुरक्षा का कार्य हो, आज के दिन हम लोग इसका लेखा जोखा करके और इसके विकास के लिए सबको बधाई देते हैं और सबके साथ यही सहयोग करते हैं कि यही आश्वासन चाहते हैं कि आगे ऐसे ही हमारे देश की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। ये थे हमारे साथ संस्थापक जगत नारायण पांडे और कई तस्वीरें हैं कि किस तरह से ध्वजारोहण किया गया, उसके साथ साथ जो यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्होंने क्या क्या प्रतियोगिताएं की, किस तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाया, आइए आपको सारी तस्वीरें हम दिखाते हैं। आजादी के 78वें जश्न को राजधानी लखनऊ के तमाम विद्यालयों में मनाया जा रहा है। इन सबको लेकर हम इस वक्त आशियाना स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मौजूद है। हमारे पीछे एक तस्वीर है जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए एक गांधी जी बने हैं, दो गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, तमाम वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानते हैं बच्चे से क्या क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज अविका सिंह। अविका क्या बने हो आप? भारत माता। आपका क्या नाम? अनायका। क्या बनी हो आप भी? भारत। आप क्या नाम है? अहद खान। अहद क्या बने हो? भगत सिंह। हो आप कि महात्मा गांधी हो? गांधी जी ना बेटा। अच्छा आप क्या नाम है? कृष्णा। आप क्या बने हो? ये तो कोई तो अम्बेडकर जी वाला लग रहा है। बोलो भीमराव अम्बेडकर। आप क्या बने हो? गांधी जी। क्या नाम है आपका? आइए आइए, आपका नाम क्या है? क्या बने हो आप? आपका क्या नाम है? अयान। क्या बने हो? मैथिली। अच्छा आपका क्या नाम है? क्या बनी हो? झांसी की रानी। देखिए ये झांसी की रानी तमाम हमारे साथ शिक्षक भी है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर आज हमारे स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग इतने साल अपने भारत वर्ष की स्वतंत्रता में बहुत बहुत खुश। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज बच्चे भी बन सवर कर आए हैं, कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने सिखाया होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सर, यही कहना चाहेंगे कि हमारा भारत स्वतंत्र 78 ईयर्स हो गए हैं, तो यही स्वतंत्रता किस मूल्यों पे हमें मिली है, ऐसे हमारी जो अभी जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कितनी मेहनत अपनी जान तक की बाजी लगाकर ये आज़ादी को हमें दिया है। इस जो जब हम सुबह सुबह उठते हैं एक आज़ाद माहौल में उठते हैं उसकी कीमत हमें पहुँचानी चाहिए। वही सब हम अपने बच्चों को समझाते हैं और बताते हैं कि वो सही मायने में अपनी आज़ादी को पहचाने और उसकी मतलब महत्व करें। प्रयास तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल पब्लिक स्कूल के ये बच्चे और उसके साथ साथ वहाँ के संस्थापक और कहीं ना कहीं आज जो आजादी का जश्न उसको भव्य अलग अंदाज में विद्यालय परिसर में मनाया गया। सहयोगी भरत के साथ मैं समझता हूँ।